नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। बताऊंगे कि नेक में हम चार कलर की पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट है, इस पर एम्ब्रॉयडरी है, तो ये देखिए रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन हमारा ये कपड़ा है, तो ये चारों कलर जो है मैं इसमें लगाऊंगी। तो अब ये देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे, जो भी नेक आप बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप इस पर बनाएं। जो हम नेक बनाएंगे उसका डिज़ाइन काटेंगे। डिज़ाइन काटने के लिए अब आपने देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मैंने 3 इंच पर निशान लगाया, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है नेक का, ये लिया। अब उसके बाद हम 4 बार जो है इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए 4 बार मैंने इसको फोल्ड कर दिया और ये होगी हमारी 4 पाइपिंग हमारी लगेगी। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे, जो निशान जो है मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ, ये ऐसे हमने निशान लगाना है। तो 3 इंच पर निशान हमने कटिंग नहीं करनी है, हमने जो कटिंग करनी है वो इस वाले निशान से करनी है। ये 3.1 आया है, तो यहाँ पर हम इसको निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद अब आपने नेक जो है कितनी लेंथ लेनी है वो आप लेंथ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ, तो 7.5 इंच ऐसे ही 4 इंच का हम यहाँ पर गैप रखेंगे। जैसे हमने पाइपिंग में ऐसे ऊपर रखा, सेम ऐसे ही गैप रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस यहाँ पर कट करेंगे। इसको कट हमने नहीं करना है, इसको भी हमने कट यहाँ नहीं करना है, इसको कट बढ़ाकर हमने करना है। तो अब ये कि यहाँ से जो है ये जितना हमारा है इसको हम ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम एक बॉक्स बना देंगे। अब इसके बीच में आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो आप इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए 1/2 इंच जो है हमारा शोल्डर में चला जाएगा, तो 1/2 इंच जो है हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। अब उसके बाद आप डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन देखिए मैं इसमें 2 कट बना दूंगी। इसमें अब ये वाला जो है आप नाप ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक हमारा 7 इंच के, ये देखिए 7 इंच आ गया, यहाँ से हमारा ये कम हो जाएगा। तो 7 इंच जो है यहाँ से 3.5 पर हम निशान लगाएंगे, 3.5 पर हम ये निशान लगाएंगे बीच का, और यहाँ से लेंगे इसको इस तरीके से, ये ऐसे, फिर इसको हम यहाँ से गोलाई ले लेंगे, ऊपर से 1/2 इंच 1 इंच जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप निशान लेंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए नेक की कटिंग हमने कर ली है, अब हम कपड़े पर रखेंगे नेक को और पेस्ट वाली बुकरम को पेस्ट करेंगे, और नहीं तो इसको यहाँ पे कच्चा कर सकते हैं या फिर मशीन लगाकर इसे आप सेट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं सेम ऐसे ही इसको बनाना है हमने। देखिए नेक को हमने रेडी कर लिया है, अब हम कपड़ा लेंगे अपनी कुर्ती का, इसको हम इस तरीके से करेंगे। पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये सेंटर जो है वो निशान लगा लिया है, ये देखिए ये हमारा सेंटर का निशान है। और ऐसे ही हम इसका भी सेंटर ले लेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से ये सेंटर और यहाँ से ये सेंटर ऐसे करके यहाँ, तो यहाँ पर आप पिन लगा दें या फिर यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। पिन लगाकर मैंने इसे सेट कर लिया है। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ जैसे हमारा नेक का डिज़ाइन है सेम ऐसे ही इस पर सिलाई लगाकर इसे हम पूरा करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टिच हमने कर लिया है, हमने कटिंग जो है वो इस तरीके से करनी है। ये हमारी सिलाई है, सिलाई से हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। जो भी हमारी शेप है इसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है, ये देखिए। और यहाँ पर हमने कट के निशान लगाने हैं, ऐसे ही हमने दूसरी साइड लगाने हैं और इसे अंदर की साइड में हम फोल्ड कर देंगे, ये देखिए ऐसे हो गया। अब इसको हमने ये ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिए इस कॉर्नर को हम निकाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए देखिए। नेक को सेट करने के लिए हम इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे जैसे हमारे नेक की शेप है। अब हम डोरी लेंगे, डोरी को आप जो है इस तरीके से नाप लेंगे, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इस साइड में, ये ऐसे, फिर इसको हम ऐसे घुमाएंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, फिर ऐसे ही इसको यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ से हम फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे
और यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसको हम जो है यहाँ से काट देंगे। तो ये जो है हमारी डोरी जो है ये इतनी हमारे नेक के लिए ठीक है। तो ऐसे ही हमने जो है चार डोरी काटनी है अपने नेक के लिए, और ऐसे ही जो है हमने उरे पट्टी काटनी है जो मैं ये काट चुकी हूँ। तो ये देखिए उरे पट्टी काटने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमारा कपड़ा होगा कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन आएगा ये वाला, ये हमारा उरे कहलाएगा। तो ये ऐसे है जो है हमने इसकी स्ट्रिप काट लेंगे अपने कपड़े की। तो ऐसे आप उरे पट्टी काट कर इसे रेडी कर लेंगे जो मैं ये कटिंग कर चुकी हूँ। फिर अपने जो है कलर सेट कर लेंगे जैसे हमने कलर लगाए। उरे पट्टी का साइज़ जो हम रखेंगे वो कैसे रखेंगे, ये मैंने उरे पट्टी डेढ़ इंच काटी, आप एक से डेढ़ इंच तक जो है ये काटेंगे। जो आपने ये वाला साइज़ काटेंगे वो जो हमारी नीचे जो सबसे बड़ी पट्टी होगी जो हम आगे की तरफ लगाएंगे, तो मैं लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, तो वो पट्टी हम उसको एक इंच उससे एक्स्ट्रा काटेंगे। यानी हमने अगर ये एक काटी है तो ये हमने जो है दो इंच काटनी है। ऐसे ही ऐसे मैंने डेढ़ इंच काटी है तो इसको भी हमने ऐसे ये ढाई इंच के करीब जो है ये मैंने काटी है। ये देखिए तो ऐसे जो है एक इंच का हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। अब उसके बाद हम पाइपिंग को लगाना बताएंगे कैसे लगाएंगे इसको। ये देखिए ऐसे रखेंगे इसको, हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे ये ऐसे, और सिंगल फुट लेंगे, सिंगल फुट इसके साथ साथ लगाते हुए इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। देखिए अब हम पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग बनाने से पहले डोरी पर आप इस तरीके से नॉट लगा लें। ये देखिए अगर आप ऐसे नॉट लगाएंगे तो ये हमारा धागा जो है इस साइड में नहीं खींचेगा। इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम सिंगल फुट लगा लेंगे। सिंगल फुट लगाकर इसे हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। अब इसके बिल्कुल साथ साथ जो है हम मशीन को चलाएंगे। देखिए अब इसके साथ साथ हम मशीन लगाएंगे। देखिए ऐसे इसको फोल्ड करते रहेंगे। ये देखिए पाइपिंग हमने रेडी कर ली है। जैसे हमने येलो बनाई सेम ऐसे ही हमने ये तीनों कलर की पाइपिंग बना ली है। ये देखिए ऐसे ही हमने नॉट लगाई और सेम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मोड़कर हमने इसे रेडी किया। तीनों को हमने इसी तरीके से रेडी करना है। अब जो कलर आपने सेट करना वो कलर सेट करेंगे। ये येलो मैंने रखा और इसके साथ हम इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए ऐसे, और ब्लू वाले पर इसको साथ में बिल्कुल इसके साथ साथ टच करते हुए ब्लू वाले पर हम ऐसे ही इसके साथ साथ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करें। देखिए इसे हमने ऐसे सिलना है, इसको इसके ऊपर रखेंगे ब्लू वाली को। और ये देखिए इस डोरी के बिल्कुल साथ साथ जो है आपने स्टिच करना है ये ऐसे इसके साथ बिल्कुल। ऐसे करते हुए इसे पूरा करेंगे। जैसे हमने ये अलग अलग पाइपिंग तैयार करी है आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं ये देखिए मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ आपको दिखाने के लिए। ऐसे ही हमने रखना है डोरी को अंदर की साइड में और इस कपड़े को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके साथ ही बिल्कुल ये जो हमने डोरी बनाई है इस डोरी के साथ रखना है। ये जो पाइपिंग हमारी है इस डोरी के बिल्कुल साथ में हमने इसको साथ साथ रखना है। ये देखिए ऐसे, और इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे सिल सकते हैं जैसे हमने पहले यहाँ पर सिला। आप पहले ऐसे ना करते हुए आप इसको डायरेक्ट सिल लेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, और इसके साथ हम ऐसे रखते हुए जाएंगे। ये देखिए, और ऐसे भी कर आप इसको सिल सकते हैं। देखिए ये पाइपिंग हमने रेडी कर ली है। अब हम तीसरा कलर लगाएंगे। तीसरा कलर लगाने से पहले ये वाली जो ब्लू कलर का हमारा एक्स्ट्रा पीस है कपड़े का, ये देखिए यहाँ से ये जो है ये वाला, इसको हम कट कर लेंगे। ये वाली येलो वाली जो है इसको हम पीछे की साइड कर लेंगे ताकि ये ना कट जाए हमारी। तो इसको हम पीछे की साइड करेंगे और इसके साथ साथ जो है इसको कट करते हुए ये देखिए ऐसे इसको हम पूरा करेंगे। अब सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ब्लू कलर की पाइपिंग लगाई है, सेम ऐसे ही अब हम ग्रीन कलर की पाइपिंग को इस तरीके से ऐसे रखेंगे और इसके साथ में स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम रेड कलर की पाइपिंग लेंगे और इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे ये ऐसे, और इसको हम स्टिच करेंगे। जैसे हमने ब्लू कलर का ये कपड़ा काटा है सेम ऐसे ही कर रखेंगे, और ग्रीन वाले को भी हम काट देंगे और ऐसे ही रेड वाले को रखेंगे, और रेड वाले कपड़े को भी हम कट कर इसे रेडी करेंगे। रेड वाला थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी को हम कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स चारों पाइपिंग हमने रेडी कर ली है।
अब हमने क्या करना है, ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था, इस कपड़े को हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक बीच में एक सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। देखिए इसको हमने इस तरीके से स्टिच करना है, ये देखिए। अब हम इसे नेक पर लगाएंगे, नेक पर लगाने के लिए ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे लगा कर देखेंगे। देखिए अब हम पाइपिंग को लगाएंगे, पाइपिंग रखेंगे पहले नीचे की तरफ, फिर हम अपना जो है नेक रखेंगे। नेक को हम इसी तरीके, नेक को ऐसे खींचना नहीं है, नेक को जैसे हमारा नेक सेट होता है सेम इसको ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखते हुए अब इसके साथ साथ जो है हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए ऐसे। फिर इस पाइपिंग को हम अंदर की साइड करेंगे, नेक को नहीं घुमाएंगे ऐसे कर, पाइपिंग को हम इस तरीके से घुमाएंगे, क्योंकि पाइपिंग जो है हमारी उरेब बनी होती है तो ये हमारी गोलाई में आ जाएगी, ये देखिए ऐसे। और इसको हम जो है आधा एक इंच से जो है पहले हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, इस कॉर्नर से एक इंच पहले हम छोड़ देंगे, ये देखिए। जैसे ये है हमारा नेक, इसको यहाँ पर अब हम छोड़ देंगे। अब ये नेक को हम इस सेट करेंगे ऐसे कर, और ये देखिए ये वाली पाइपिंग को हम अंदर की साइड करेंगे। अब ये पाइपिंग हमारी इतनी जो है ये आई है हमारी, यहाँ से आधा इंच जो है हम यहाँ पर या तो आप निशान लगा सकते हैं, या फिर ये देखिए जैसे ये है यहाँ पर अंदर के साइड में हम आधा इंच जो है इस वाले से, ये देखिए ऐसे इस कॉर्नर से आधा इंच हम ये लेंगे और यहाँ से जो है अपनी डोरी को, पाइपिंग को सॉरी काट देंगे यहाँ से, ये देखिए ऐसे ऐसे हम कट कर देंगे और इसको ऐसे रखेंगे, ये ऐसे कर। फिर अब ये जो हमने काटी है पाइपिंग, इस पाइपिंग को हम अंदर की साइड में ऐसे लेंगे, ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे रखेंगे। नेक को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और इस पाइपिंग को ऐसे रखेंगे, ये ऐसे कर, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा नेक जो ऐसे आ जाएगा। और ये वाली पाइपिंग थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, इसको नीडल से या कैसे भी आप जो है इसको अंदर की साइड में आप कर लेंगे। जैसे ये देखिए ये है, इसको हम अंदर की साइड कर देंगे, ये ऐसे, ये देखिए सेट हो गई ऐसे। अब हम इस पर जो है इसी तरीके से मशीन लगा देंगे। अगर ये आपसे ना लगे तो आप जो है यहाँ पर कच्चा कर भी आप इसे सेट कर आप इसे लगा सकते हैं। अब इस नोक को जो है हम इस कॉर्नर पर रोकेंगे। अब अपनी मशीन को इस तरीके से जैसे हमारा नेक है सेम ऐसे ही हम इसको घुमाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए। ये देखिए ऐसे लगाएंगे इसको, फिर सेम ऐसे ही करेंगे। जहाँ पर भी हमारा ये कॉर्नर आएगा एक इंच पहले जो है हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ तक हम इसको लगाएंगे, ये देखिए। और अब इसे छोड़ देंगे, फिर सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इससे आधा इंच जो है हम लेंगे कपड़े को अंदर की तरफ से लेंगे और इसको हम कट कर देंगे, ये देखिए पाइपिंग को हमने कट कर दिया है। अब दूसरी इस ऐसे ही लेंगे पाइपिंग को, इसको इस तरीके से ऐसे क्रॉस में लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे सेट करेंगे। हमारे ये चारों कलर जो है ये हमारे प्रॉपर दिखाई देने चाहिए। पाइपिंग को हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये देखिए हमारे चारों कलर जो है वो इस तरीके से ऐसे दिखाई देंगे। अब इसके ऊपर हम मशीन लगाएंगे, ये ऐसे। अब इस कॉर्नर पर हम मशीन को ऐसे निडल को रोक देंगे और फिर जो है हम कपड़े को घुमाएंगे बिना निडल को रोके हुए। यहाँ पर आपने कपड़े को नहीं घुमाना, ये देखिए ऐसे। और अब हम फिर सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है सेम ऐसे ही सिलाई लगाते हुए इसे हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक बनकर हमारा रेडी हो गया। जैसे मैंने चार कलर लगाए हैं, आप दो तीन और एक कलर जो भी कलर लगाना चाहें वो आप कलर लगाएंगे। लगाने का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा। अगर आपको लगता है हमारा नेक सही नहीं बना है, बीच में झोल आ रहा है या खिंचाव आ रहा है, तो आप जो है पीछे की साइड से इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये जो है अपने आप नेक जो है वो सेट हो जाएगा। या फिर आप जैसे मैंने बताया आपको सेम ऐसे ही करेंगे तो नेक में आपको जो है कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कट लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस कपड़े को छोड़ देंगे। और ये वाला जो नेक हमारा बुकरम के साथ जो है इसको यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे हम फिक्स कर देंगे। तो हमारा नेक जो है ये बनकर रेडी हो